तो पहली बार इंटरव्यू दिए हैं इनके चैनल से, तो ये मेरा पहली बार इंटरव्यू है, तो आप लोग मेरे भाई को बहुत सारा प्यार दें और खूब सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं अंदर में और देखिए मार्केट। यहाँ पे आइए तो पूजा का सामान हर एक सामान मिलता है, यहाँ पे खिलौना मिलता है और हर एक सामान पूजा के लिए सामान मिलता है। देखिए यहाँ पे इस साइड में भी और इस साइड में भी है, और देख सकते हैं आप इस साइड में भी है। देखिए दोस्तों इस साइड में ये बच्चे के लिए खिलौना भी मिलता है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, और प्रसाद भी मिलता है यहाँ पे, जो पूजा के लिए जो भी आता है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाता है। देख सकते हैं इस साइड में जो गुड्डा है और बर्थडे में जो गिफ्ट दिया जाता है वो सब यहाँ पे है, देख सकते हैं। और आपको हम ले चलेंगे अंदर मंदिर के तरफ। इस साइड में देखिए पूजा का सामान जो मिलता है यहाँ पे है, ये देखिए ये द्वारकाधीश मंदिर जो भव्य दृष्टि है यहाँ पे, आपको हम बहुत अच्छे तरह से दिखाएंगे अंदर में। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नैनी मंदिर जो है द्वारकाधीश मंदिर, जो यहाँ पे आए हैं हम ब्लॉगिंग शूट करने, और यहाँ पे आए तो गेट तो बंद हो चुका है, अंदर नहीं जा पाए, और यहाँ पे अमरेश भाई मिले हैं जो भोजपुरी के शायर हैं, जो अपने शायर से पूरे बिहार में छा गए हैं, जो कि पूरे हर एक लड़के के दिल पे छाते हैं और अपने शायर से हर एक का मन मोह लिए हैं। आइए हम उनसे कुछ पूछेंगे और उनका इंटरव्यू पूछ लेंगे, अपना बताएंगे कुछ कि हाँ कैसे स्टार्ट किए। हाँ तो अमरेश भाई से मिला रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे। हाँ तो अमरेश भाई, आप कब अपना शायरी स्टार्ट किए? पहले तो आपके चैनल से जो भी मेरे भाई देख रहे हैं सबको पहले दिल से नमस्कार है, जो भी मुझे जानते हैं आपके चैनल पे, तो सब भाई को दिल से नमस्ते है। पहले आप लोग का बहुत प्यार मिलता है और भाई के चैनल पे आज मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आप लोग फुल सपोर्ट करिएगा मेरे भाई को। जी बोलिए भाई। अब भाई तो बताइए, आप कब से स्टार्ट किए अपना शायरी? मैं तो शायरी लगभग भाई 6 महीना पहले से बनाना शुरू किए हैं, वो भी हम नहीं बनाते शायरी, मेरा एक कहानी है अनोखी जो मैं किसी से बोला नहीं हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। मतलब एक लड़की से प्यार करते थे, उसी के वजह से हम शायर बन चुके, नहीं तो हम शायरी नहीं बोलते थे। बट हम सोचे कि उस लड़की को जलाने के लिए कुछ किया जाए, तो शायरी उड़ी बोलने लगे हम, तो वही मेरा कहानी है। अच्छा। हाँ तो उसके बाद मैं एक शायरी बोला था, पहला शायरी मेरा था बबुआन पे, तो वो ज़्यादा फेमस हुआ था। बट उससे भी ज़्यादा एक फेमस हुआ था कि छपरा के शिशु पार्क में घूमल और नैनी मंदिर के खाइल कसमिया भुला गई लुगा, वो वाला भी शायरी हमारे बहुत फेमस बा। आज नैनी मंदिर के पास भी बानी और हमारे भाई से भेंट भइल, तो भाई के जो भी हमारे छपरा के लोग देखा था, बिहार के लोग देखा था, बहुत ज़्यादा हमारे शायरी वायरल बा। तो भाई जो भी मुझे जाना था हमारे भाई के चैनल के रूरा सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। और वह से भी ज़्यादा हमारे एगो रिकॉर्ड मतलब आकाश भाई के लिखा रहे शायरी, मतलब सब शायरी हमारा आकाश का से भाई का लिखा हुआ है जो मैं यूट्यूब पर बोलता हूँ, तो उनका एक शायरी सबसे ब्लास्ट हिट हुआ था पुदीना है हसीना शायरी 2। तो भाई मतलब हम कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा वो शायरी पूरा बोले। वो शायरी उतना तो लगभग दिल पे नहीं आता, फिर बोलता हूँ कि पुदीना नेनुआ बेचाए लगल आ बाबू सोना गानवा गवाए लगल, कि पुदीना नेनुआ बेचाए लगल आ बाबू सोना गवाए लगल, आ पवन सिंह आ कलू के संगे खेसरियों के आह आह सुनाए लगल, ए रबिया तनी खेसरिया गाना बजाओ ना। ये शायरी हमारे रहे जो 26 लाख गए रहे पुदीना वाला, जो पवन भैया का गाना आया था, बहुत ट्रेंडिंग था। उसके बाद एक और मेरा शायरी वायरल हुआ था जो 5 लाख व्यू गया था, वो शायरी मेरा था कि आरा से खुश होके अबे ना जबले छपरा वाला से मोरबे ना, ये वाला शायरी मतलब बहुत ज़्यादा मेरा ब्लास्ट हुआ था, पूरा छपरा के भाई पूरा मतलब बिहार में भी ये मेरा शायरी बहुत स्टेटस लगा था, तो वो एक शायरी है। और उससे भी ज़्यादा एक शायरी मेरा वायरल हुआ था कि ये बिहार है यहाँ छोड़ा नहीं फोड़ा जाता है, वो भी शायरी मेरा बहुत वायरल हुआ था। सुने थे हम भी। तो जो भी मेरे भाई मुझे जानते हैं तो मेरे भाई का चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बसंत ब्लॉग, बसंत ब्लॉग बहुत सारा प्यार दीजिए, जितना हमको देते हैं उतना है मेरे भाई को, ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दें। और बताइए भाई। तो भाई आपका मतलब ग्राम कहाँ से पड़ेगा? मेरा तो ऐसे जिला पड़ेगा छपरा जिला, घर मेरा ढेलहारी पड़ेगा और मेरा थाना रिबिलगंज पड़ेगा। मैं एक छोटा सा गाँव से हूँ जो मेरा गाँव का नाम ढेलहारी है, छोटा सा गांव है मेरा। अच्छा अच्छा। तो हाँ तो भाई यहाँ पे द्वारका मंदिर पे आप घूमने आए थे कि आप या शूट करने आए थे? हाँ शूट ही करने आए थे अपने भाई लोग के साथ। मेरा भाई लोग बोले कि अमरेश भाई आपके साथ थोड़ा फोटो शूट हो जाए, इधर के भाई से मिले नहीं थे, तो मेरा भाई लोग बोले कि अमरेश भाई आइए आपके साथ फोटो शूट हो जाए, तो मेरा 20-25 लोग जो भी मेरा दोस्त है वो जुड़े हमसे, तो आए थे यहाँ पे, तो आपसे भेंट हुआ, तो आप बोले कि अमरेश भाई आइए आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो पहली बार इंटरव्यू दिए इनके चैनल से,
तो ये मेरा पहली बार इंटरव्यू है, तो आप लोग मेरे भाई को बहुत सारा प्यार दें और खूब सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए। हाँ तो भाई आपका चैनल का नाम क्या है यूट्यूब पे? मेरा चैनल का नाम अमरेश साड़ी है, सब भाई जानते हैं जो भी आप पे देखते हैं, मतलब हम मेरे आईडी से भी जुड़े हुए हैं आप, तो सब भाई मेरे आसपास के हैं तो जानते ही हैं मेरा अमरेश साड़ी मेरा यूट्यूब चैनल है। और भाई का चैनल को आप लोग सपोर्ट करिएगा, जो भी मुझे जानते हैं और जो भी मुझे अपना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं, यार मानते हैं, सबसे निवेदन है कि आप लोग मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, बस लव यू, बाय बाय। तो देखिए यहाँ पे अमरेश साइड से हम मिले और यहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया गया कि कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किए, यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किए और यहाँ तक बहुत दूरों तक पहुँच चुके हैं अभी तक। अभी तो उनका बहुत नाम है बिहार में और हम उनसे पूछे, आपके पास तो बताए ही, और इनका शायरी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये भोजपुरी शायरी बोलते हैं और ये अपने भोजपुरी शायरी बोलकर पूरे बिहार में अपने छा गए हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए अमरेश शायरी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उनको भी सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।